हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदार कंठा। सो गाइस, कैसे लगे आपको डांडा बैंड से व्यूज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम फिलहाल डांडा बैंड से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ से जो केदारकंठा का ट्रैक स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ट्रैक, कल हम यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मार्केट की ओर, वहाँ पे कुछ कैफ़े देखते हैं, अच्छे कौन कौन से कैफ़े यहाँ पे। तो पूनम मैम थोड़ा सा ज्ञान दे रही है हमें ये चीज़ों को थोड़ा इजी लेना है, कुछ बता रहे हैं आप, बताइए थोड़ा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी तो मैडम बता रही है कि थोड़ा सा चीज़ों को इजी लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो मतलब पहाड़ के लोगों का ये बड़ी अच्छी खास बात है, यहाँ पे ना बहुत ही सीधा साधा सरल जीवन होता है, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती चीज़ों में। सो गाइस, चलते चलते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिलहाल अभी एक कैफ़े में रुकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते हैं। पूनम मैडम ने रिकमेंड किया है कैफ़े, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, जिस हम कैफे पे आए हुए हैं उनके ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र रावत। और काफ़ी थक गए थे दिन भर, काफ़ी घुमाया है मैडम ने, मतलब इतना तो नहीं घुमाया टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर लेके थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी डिस्कशन हुई। कल ट्रैक पे भी यही लेके जाने वाले हैं हमको, तो काफ़ी चीज़ें बता रहे थे वहाँ पे क्या क्या होती हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। तो अभी फिलहाल हम कॉफ़ी पी रहे हैं। सो गाइस, इस कैफ़े की एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पर हम बैठे हैं हम दोनों, इसके लेफ्ट और राइट साइड में एक विंडो है जहाँ से अमेजिंग व्यू आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पेंटिंग जो जिसने भी बनाई वो काफी सोच समझ के बनाई, ये मतलब ग्राफ से इसको दिखाया गया है कि अगर हम माउंटेन्स में गंदगी करते हैं और पेड़ पौधे तोड़ते हैं, तो जो ये ग्लोबल वो बनाया ना, अर्थ बनाया, तो मतलब ये धीरे धीरे ग्राफ है ना, डाउन होता जाएगा और मकान वगैरह। अच्छा। और अगर जंगलों में आग उग लगाए के बाद तो आप इसको टेस्ट करिए। ये क्या भाई साहब? और ये रामदाने का लड्डू। रामदाने का लड्डू, चौलाई, चौलाई का, तो ये यहाँ का फेमस है। यहाँ का फेमस है सर। अच्छा, हमारे वहाँ चूहे का लड्डू बोलते हैं इसको, थोड़ा और सूखा होता है वो। मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से हूँ मैं, कुमाऊँ से, जो हमारा व्रत में खाते हैं उसको, व्रत शिवरात्रि में ज़्यादा चलता है। हाँ, ये आपको थोड़ा गीला हो रहा है ना, हमारा सूखा होता है एकदम। हाँ, समझ गया। हमें चूहे का लड्डू कहते हैं, बचपन में हम चूहे का लड्डू करके खाते थे। ये जो शिवरात्रि में ज़्यादा चलता है, शिवरात्रि में जो है उसका भोग भी लगाते हैं इसका। हाँ जी, और बताइए मेन मेन चीज़ें यही। सो गाइस, सांकरी विलेज से थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाते हो वापसी की तरफ, तो यहाँ पे एक सीमा करके एक प्लेस है जहाँ पे एप्पल की खेती होती है बेसिकली, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एप्पल उगाए हुए हैं, जैसे कि आप नीचे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो एप्पल है, अभी तो इसमें फल नहीं लगा है, इसमें अगस्त के टाइम पे हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, फिर जून जुलाई में फल आता होगा ना। हाँ, जून जुलाई में फल आता है, तो अगर आप यहाँ उस टाइम पे आते हो तो यहाँ से एप्पल भी आप लेके जा सकते हो अच्छी क्वालिटी के, है ना। सो गाइस, यही है कि अगर आप यहाँ आते हो तो किसी भी यहाँ या किसी भी जगह जाते हो जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं और जहाँ पे लोकल लोग का वही रोजी रोटी होती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से चीज़ें लेके जानी चाहिए, क्योंकि वो देखो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी होती हैं, प्लस उनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है, ताकि वो चीज़ें और कर पाएँ। सो गाइस, अभी जो हम सब्जी खाने वाले हैं, पूनम मैडम बताएंगी क्या सब्जी है। ये लिंगड़े की सब्जी है। हाँ। जो यहाँ की वाइल्ड वेजिटेबल है, तो ये फर्न जो होता है। हाँ। उसके स्पीसीज में आता है। तो कैसे बनता है इसे, कैसे बनाया जाता है? तो पहले ये तो अभी सुखा रखा है, क्योंकि ये मई एंड जून में होता है। अच्छा। जब हरा होता है। हाँ। तब इसको तोड़ के फिर सुखाते हैं। हाँ। तो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सर्दियों में तो कुछ होगा नहीं, स्नो है बाहर, तो इसको सुखा के फिर जब इसको बनाया जाता है सर्दियों में, तो इसको पहले उबाला जाता है। अच्छा। तो उबाल के फिर इसको, ये जो पानी है इसको निकाल के फिर उसके बाद इसको छौंकना है। साथ में रेड राइस भी है, तो ये रेड राइस यहीं पर होता है क्या? हाँ, रेड राइस यहाँ पे तो थोड़ा कम होता है,
इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है और ये खाने के लिए और अच्छा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि शुगर का पेशेंट डॉक्टर उसको मना करते हैं पर रेड राइस वो बंदा खा सकता है। तो अभी दाल में क्या बना हुआ है पूनम जी? दाल में राजमा और उड़द मिक्स मिक्स दाल बनी हुई है। क्या बना रहे हैं? ये है भंजीर। हम ये जो भंजीर है ये पोस्त के वैरायटी में आता है, पोस्त बोलते हैं इसको। तो इससे हम सीधा रोटी बनाएंगे, मतलब इसको रोटी के अंदर भरेंगे। अब इसके अंदर ये स्टफिंग हो जाएगी इसकी? हां, क्या बन रहा है? मोमोज बन रहे हैं? नहीं नहीं, ये रोटी बनेगी, इसकी रोटी बनेगी आज। अच्छा, ये हमने स्टफिंग कर दी। ये तो समोसे की तरह नहीं नहीं, बस रोटी आप देख लो पहले, उसके बाद। हमारे यहाँ पे ना होली में गोजी भी ऐसी बनाते हैं। नहीं, इसमें क्या डिजाइन बन रहा है? जड़ी बूटी के अलावा हम काम नहीं कर रहे। डिजाइन तो बोलिए आप, इसको यूं कर दें, इसको वही दिए। अब इसको ऐसे उबाल देंगे इसमें? हां, अब इसमें डालेंगे तो स्टीम करेंगे। ओके, स्टीम से पकता है मोमो की तरह है। तो अंकल अभी क्या बना रहे हैं? हम ये रागी हलवा, ये हमारा रागी है। हां जी, मंडुआ, मंडुआ हां, फिंगर मिलेट। और इसमें ये जैसे घी गाय का घी, तो ये हमारा घी गर्म हो गया तो हम इसको डालें और आँच कम करके इसको, और इसके बाद फिर इसमें एप्पल क्रश करते रहेंगे। एप्पल क्रश, ये किशमिश है और ये नारियल वगैरह है। अच्छा, नारियल जी, ये सेब इसको क्रश किया जाएगा। अच्छा, ये यहाँ का लोकल जो पॉलिनेटर गोल्डन सेब। अच्छा, ये खट्टा मीठा होता है। अच्छा, तो इससे ये जो ये रागी हलवा बन रहा है ना, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो कच्चा केला होता है ना, उसको कच्चे केला को बना सकते। अच्छा, अगर सेब नहीं मिल रहा है तो कच्चा केला डाल सकते हैं। तो ये हमें लग रहा है ये इसमें ये मिल गया, लेकिन थोड़ा कम हो रहा। अच्छा, हम इसको पूरा डाल। ठीक हो गया जी। अखरोट बाद में डालते हैं? हाँ, अखरोट जब ये बन जा रहा है इसमें, जब ये चाशनी, हाँ ये चाशनी बनी हुई है, चीनी की चाशनी है। ये किस चीज़ की चाशनी है? ये चीनी की है, गुड़ की बना सकते, चीनी की चाशनी है। अच्छा, तो ये चाशनी जब ये पक जाए थोड़ी देर, हाँ, उसके बाद चाशनी जाने के बाद। अच्छा, तो तब मिला जाए। तो इसको अंकल हल्की आँच में कितनी देर तक पकाना होता है? जब तक ये भूरा ना हो जाए। अच्छा, ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन, तो अभी थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें ब्राउन कलर आने लग गया है। हां जी जी, अब इसके बाद हम इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी डाल देंगे, अब चाशनी में पके। उसके बाद ये रागी हलवा है, लास्ट में रागी हलवा चावल के बाद। तो गाइस, ये बॉईल होने के बाद जो है इस तरह से दिखता है और इस तरह से सर्व हो जाता है एज अ स्वीट डिश। तो ये खाने में काफी मीठा होता है, इसे चॉकलेटी रोटी भी बोलते हैं यहाँ पे ये लोग। हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा बनाया जाता है। और साथ ही साथ में आज स्वीट डिश में जो है वो हमारे पास रागी हलवा भी जो आपने देखा था वो इस तरह से बनकर आ जाता है, ऊपर से गोले का पाउडर डाल दिया है। अभी खा के देखेंगे इसे, खाना खाने के बाद टेस्ट आएगा। बढ़िया खाना तो पूरा खा लिया, अब मीठे की बारी आती है। तो ये वो चॉकलेट रोटी जिसकी हम बात कर रहे थे और ये रागी हलवा है जो आपने देखा कैसे बनता है। चलो ट्राई करते हैं। ये प्रॉपर मंडुए के आटे से बना हुआ है और गुड़ इसमें होता है, बहुत ही गर्म होता है, गर्म तासीर होती है इसमें ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी आप आओ गढ़वाल साइड ना, पक्का इसे खाना, अलग ही टेस्ट रहता है। झींगा जो टेस्ट आता है ना इसमें, एक नंबर। चॉकलेट रोटी जो है ये थोड़ी अलग सी लग रही है। थोड़ी सी अलग है,
सो गाइस फिलहाल डिनर करके मैं आ गया हूँ नीचे अपने रूम पे, तो आज का दिन यहाँ पे होता है ख़त्म। और कैसा लगा आपको सॉन्ट विलेज और संकरी विलेज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वर्थ है या नहीं यहाँ पे घूमना ये ज़रूर बताना, और प्लस होम स्टे कैसा लगा और फूड कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको दिखने में कैसा लगा। अगर आपको भी यहीं आना है तो उनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल सुबह हम निकलेंगे केदारकंठा के ट्रैक के लिए, तो सुबह मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब तक ले सी सुन। तो गाइस ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, दो लड़के हमारे दो दिव्य प्राणी जो हैं वो अभी तक मार्केट से सामान ही लेने गए हैं, तो